नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना का दुष्प्रभाव थोड़ा कम हुआ तो जो नौजवान है वो बेरोजगारी को लेकर के बिलबिला रहे हैं, परेशान हैं, और सरकार लगातार सरकारी पदों की संख्या कम कर रही है। आपको याद है 17 सितंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिवस था तो उसे राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में किस तरीके से ट्रेंड कराया गया था, किस तरीके से युवा निकल आए थे अपना हक मांगने के लिए, सरकार परेशान हो गई थी। उसके बाद ही रेलवे और दूसरी जो सरकारी नौकरियां हैं उसको लेकर घोषणाएं की गई कि जो परीक्षाएं हो गई हैं उनका रिजल्ट जल्दी लाया जाएगा और जो परीक्षाएं नहीं हुई हैं उन परीक्षाओं को कराया जाएगा। एक बार फिर से मोदी रोजगार दो सोशल मीडिया यानी कि ट्विटर और यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा है। आखिरकार ये अचानक क्यों ट्रेंड करने लगा और उसके जवाब में मोदी गर्लफ्रेंड दो को ट्रेंड कराया जा रहा है, क्या है पूरा माजरा? दरअसल है क्या कि केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए दो ऐसी परीक्षा आयोजन कराने वाली संस्थाएं हैं, या तो UPSC है या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसे कि SSC बोला जाता है वो है। SSC द्वितीय तृतीय श्रेणी की परीक्षाएँ कराता है, इसका नाम है CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ये परीक्षा ऐसी होती है जो कि कंबाइंड कराई जाती है ग्रेजुएशन के बाद की, और जो जिन जिन सरकारी डिपार्टमेंट में ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ पोस्टिंग होती है, यानी कि अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट्स को अलग अलग परीक्षाएं आयोजित कराने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। 2019 में ये निकली वैकेंसी और वैकेंसी भरी गई, फिर जो है इसके जो एग्ज़ाम हुआ 14, 16, 18 कुछ पिछले साल नवंबर में इसका एग्ज़ाम हुआ और 19 फरवरी को जो है इसका रिजल्ट आया। तो रिजल्ट आया तो छात्रों की क्या शिकायत है कि जो 18 नवंबर को एग्जामिनेशन हुआ था वो पेपर ऐसा था कि बच्चों के जो प्रतिभागी थे उनके पेपर्स बहुत अच्छे गए थे, यानी कि जितने का था उतने मार्क्स उनके आने की उम्मीद थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसमें से उनके नंबर काट लिए गए और जो पहले दिए थे एग्ज़ाम जो दो डेट्स में उनके नंबर बढ़ा दिए गए। वो एक सिस्टम होता है बढ़ाने और घटाने का, उसको लेकर के छात्रों में नाराज़गी उपजी है कि ये क्या तरीका है, एक बात। दूसरी बात क्या होता है कि सरकार चूंकि सरकारी पदों की संख्या कम कर रही है इसलिए वेटिंग लिस्ट भी जारी नहीं कर रही है और जो वैकेंसी आती है वो भी लंबे गैप के बाद आ रही है, परीक्षाएं होती है उसमें लग जाता है। अब ये 2019 की वैकेंसी और जो है रिजल्ट लेट आया और सवा दो साल बाद और उसके बाद अब ये छात्रों के साथ दिक्कत। तो इसको फिर कल से यानी कि रविवार से ही आज दिन भर कल दिन भर ये ट्रेंड करता रहा यूट्यूब पे भी और जो है इधर ट्विटर पे भी, और 25 फरवरी का डेडलाइन दिया है कि 25 फरवरी को देखिए कैसे इसको ट्रेंड और कराते हैं कि मोदी रोजगार दो। अब इसके जवाब में क्या किया है, जो IT सेल पे आरोप लग रहा है कि उन्हें मोदी गर्लफ्रेंड दो उसको ट्रेंड करा रहे हैं। अब कैसा भद्दा मजाक है जो भी इसको करा रहा है, कहाँ तो युवा जो है परेशान है रोजगार के लिए और कहाँ आप उन्हें चिढ़ा रहे हो इस तरीके से। सबसे बड़ा सवाल ये है कि चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहा हो, चाहे मेडिकल कर रहा हो, चाहे ग्रेजुएशन साइंस में कर रहा हो, ह्यूमनिटीज में कर रहा हो, आज की डेट में जब युवा जैसे ही पढ़ करके निकलता है चाहे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके, तो सबसे बड़ा सवाल उसके सामने मुंह बाय खड़ा रहता है कि इसके बाद वो क्या करेगा। कंपटीशन की तैयारी करता है, लेकिन कंपटीशन में क्या होता है कि पद जो है बहुत कम निकाले जा रहे हैं और जो है वो अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा पहुंच रहे हैं। अभी हरियाणा में चपरासी के पद निकले थे, वहाँ इंजीनियर बाहर गए वैकेंसी वो अपना फॉर्म देने के लिए, इतने जो है इतनी बेरोजगारी है। रेलवे में भी जब ऐसी वैकेंसी निकलती है तब भी यही हाल है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। पकौड़ा तोड़ने को लेकर के जिस तरीके से इस पर व्यंग किया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जोड़ करके कि वो भी तो एक रोजगार ही है, वो कोई यूं ही नहीं किया जाता है। ये नौजवानों की बेरोजगार जो हैं उनकी अपनी मजबूरी है जिसकी वजह से वो इतना परेशान है कि ये सब करने के लिए मजबूर है। तो जैसे इस पर और कोई पता चलेगा आप रहिए बताएंगे आपको, आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।